मस्जिद तोड़ी गई जब दो लोगों ने देखा, किसकी थी? जब मंदिर तोड़ा गया आपने देखा था? नहीं, मस्जिद किसकी थी? बाबरी मस्जिद थी ना, बाबरा हमारा कौन था साला, इसलिए ऐसे नहीं बना ये मंदिर। रामलला और आप क्या सोच रहे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे क्या? वो हिंदुस्तान में पैदा है, अयोध्या में पैदा हुए थे, हमारी आज तक कहती है सारा सौदा सेट करके रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जैसे मंदिर बन गया, अभी दो मंदिर बन गया हिंदू की आस्था का, क्या लगता है मोदी जी को कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मिलेगा, वोट मिलेगा? देखो उस आस्था पे खड़े उतरे तो ये भी उतर सकते थे, अल्लाह भी तो भगवान है ना, तो हम कहाँ कह रहे हैं हम अल्लाह भगवान नहीं है। मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद थी नहीं ना वहाँ भैया, वो हमारा मंदिर था। मानते हैं कि जो सभी इसका समर्थन करें, मुसलमान की लड़की पैदल चल के आई यार, उसको कितना स्वागत हुआ बताओ। यहाँ जो राम जी राम लला जी के जो वो बनाए जाते हैं वस्त्र, मुसलमान बनाते हैं, बहुत से मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वो सब के हैं। फिर वहाँ फिर मुसलमानों के घर पे भी जाकर के खाना, उनसे भी दीप जलाएं। हम तो गए थे, हम तो हर घर में हर घर घर जाकर हमने इन्वाइट किया, जो अक्षित चावड़ा आए थे अयोध्या से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई। अयोध्या जाने की तैयारी है, उससे पहले कुछ लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विकास जी है, जो हिंदू जनजागृति संगठन के अध्यक्ष है, जो एक संगठन चलाते हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, या फिर हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए जो है एक संगठन चलाते हैं। ये उनसे बातचीत करेंगे अयोध्या मंदिर को लेकर के। जो भी पक्ष पार्टियाँ कह रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हॉस्पिटल बनता तो हम वहाँ पर जाते, लेकिन राहुल गांधी की भी कहीं ना कहीं यात्रा स्टार्ट हो गई है मणिपुर से लेकर के। जय श्री राम। और एनडी हरियाणा की तरफ से और एनडी हरियाणा के माध्यम से पूरे मेरे हिंदू भाइयों को जय श्री राम, और सभी को मैं बधाई देता हूं कि हमारा श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी हमें बड़े दिनों से, बड़े सालों से, 500 सालों की तपस्या तो हमारे पूर्वजों ने जो अपनी बलिदान देकर जो इसको देख नहीं पाए, उनको मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मुहिम हमारी चालू की, संघर्ष चालू रखा। अच्छा, कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि उनकी मस्जिद तोड़ करके जो है वहाँ पर मंदिर बनाया गया? नहीं, मुझे तो कोई मुसलमान जो भारत का सच्चा मुसलमान है, पहले तो बात मुसलमान यहाँ थे ही कहाँ, जो भारत का सनातनी है वो सब कन्वर्ट किए हुए मुसलमान, उनको पता नहीं, पूर्वज भी श्री राम ही थे, अगर वो देखें सोचे इस बात को तो उनके पूर्वज भी श्री राम ही थे, तो जिनको पता है वो ऐसा कोई ऐसी वो नहीं टिप्पणी कर रहे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों पे ठेस पहुंची क्योंकि वहाँ पर मस्जिद थी पहले, आपने पता है वहाँ पहले मंदिर था? बिल्कुल पता है, ये तो प्रमाणित किया हुआ है ना, प्रमाणित शोध किया, प्रमाणित हुआ, ये कोर्टों में केस चला। अच्छा, मस्जिद तोड़ी गई जब दो लोगों ने देखा, किसकी थी? जब मंदिर तोड़ा गया आपने देखा था? नहीं, मस्जिद किसकी थी? बाबरी मस्जिद थी ना, बाबर हमारा कौन था साला, हमारा लगता क्या था बाबर, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए यहाँ बतेरे वो बहुत हैं, यहाँ मस्जिद और हैं, वहाँ नमाज पढ़ो, लेकिन हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई ना, ये तो हर चीज़ का प्रमाण मिला वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग ये सोचते होंगे मुसलमान भी कि हमारी मस्जिद तोड़ करके कहीं ना कहीं मंदिर बनाया गया, लेकिन मंदिर किसने देखा कि मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई? ये हमारे पूर्वजों ने देखा, वो हर चीज़ का वहाँ टेक्निकल हर चीज़ की वो निकाली गई, वहाँ सर्वे किया गया, कोर्ट में केस चला, ऐसे नहीं बना ये मंदिर। रामलला और कहाँ आप क्या सोच रहे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे क्या? वो हिंदुस्तान में पैदा है, अयोध्या में पैदा हुए थे, हमारी आज तक कहती है। यहाँ इतने हमारे लाखों हजारों जो हमारे संत, उन्होंने आहुति दिया है, अपना बलिदान दिया है। अच्छा, विपक्ष पार्टियाँ कह रही है कि वहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनाया जाता तो हम वहाँ पर जाते, लेकिन हम नहीं जाएंगे अभी। अभी उनको हॉस्पिटलों कमी लग रही है, अपने देश के अंदर हॉस्पिटल बहुत है। और दूसरी बात, ये जो हमारा भव्य दिव्य राम मंदिर बना है तो ये किसी सरकार के पैसे से नहीं बना, ये हर भारतवासियों के सब ने चंदा देकर इकट्ठा इतना पैसा हुआ है, उसके जितना मंदिर बना है इतना ये उससे ब्याज से बना है। लेकिन सारा क्रेडिट तो मोदी जी और योगी जी लेंगे। अब देखो भाई ऐसा है, अब ये इस चीज़ का विपक्ष वाले, पहले तो बात मैं राजनीति में जाना चाहता, लेकिन विपक्ष वाले खुद ही अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे, उनको जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी जो हमने वीडियो देखी है कि भीम आर्मी जो कहते हैं कि हम भीम भीम भीम, लेकिन उन्होंने देखना चाहिए कि वे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से नाराज है जो दलित समाज के लोग। कौन है वो भीम? कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ऐसा है कुछ है तो उनको, उनको कुछ ही रहने दो, वो कुछ ही रहेंगे। पूरी 140 करोड़ की जनता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जो सनातनी है सबको खुशी है, पर ये कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बकवास करते रहते हैं, इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, आप समझते नहीं कि भाई जो 2024 के चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी ने राम मंदिर का पहले से ही जो है एक षड्यंत्र या सिस्टम बना करके रखा कि चुनाव से 2-3 महीने पहले ठीक उद्घाटन करना? नहीं, ये किसको पता था मोदी 2014 में आएंगे, किसी को पता था? इससे पहले भी ये हिंदुत्ववादी, इनकी सोच विचारधारा शुरू से हिंदुत्ववादी रही है। अब हिंदुत्व के लिए हमें आजकल को
कोई ऐसा काम हो जाए तो लोग कहेंगे कि हाँ ये भी इसने बना के रखा था, सारा सौदा सेट करके रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जैसे मंदिर बन गया अभी, दो मंदिर बन गया हिंदू की आस्था का, क्या लगता है मोदी जी को कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मिलेगा, वोट मिलेगा? देखो, अगर राम जी के लिए उन्होंने काज किया है, अब उसका क्रेडिट तो मिलेगा। भगवान अगर कोई भी हम कार्य करते हैं उसका फल तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये तो हर हिंदू की आस्था थी और उस आस्था पे खड़े उतरे तो ये भी उतर सकते थे। अल्लाह भी तो भगवान है ना, तो हम कहाँ कह रहे हैं हम अल्लाह भगवान नहीं है। मस्जिद तोड़ी गई, तो मस्जिद थी नहीं ना वहाँ भैया, वो हमारा मंदिर था, हमने तोड़ा नहीं उसको डिमोलिशन किया, उसको हटाया वहाँ से, कन्वर्ट किया उसको, जो थी चीज थी हमारी वो ऊपर ले आए हम। नहीं, पहले आप कहते थे कि भाई जब कहीं ना कहीं हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, अब हिंदू जो कहीं ना कहीं घर वापसी करे, या फिर उस तरह से ही देखते हैं आप भी, मस्जिद पहले मंदिर था उसके बाद मस्जिद बनाई फिर मंदिर बन गया वापसी से, ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में कि कहीं ना कहीं? नहीं, अब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, वो टाइम चला गया जो जिस टाइम यहाँ आक्रांताओं ने आकर, बाबर ने आकर यहाँ हमारे मंदिर हमारी आस्था पर ठेस पहुँचाई, सब हमारे आस्था को तोड़ा, हमारे भाइयों को कन्वर्ट किया, अब वो टाइम नहीं है। अब तो जो होगा तो उसकी आँखें निकालने की हिम्मत रखता है हिंदू, अब हिंदू जाग चुका है, जो पहले वाला हिंदू नहीं रहा अब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभी केजरीवाल के काफ़ी, जो मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहते, विपक्ष पार्टी क्यों विरोध कर रही है? काफ़ी पार्टियों में तो हिंदू लोग भी हैं, वो इस चीज़ का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? कायर और बुजदिल जो और धर्म के लोग मानते हैं कि जो सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। मुसलमान की लड़की पैदल चल के आई यार, उसका कितना स्वागत हुआ बताओ। यहाँ जो राम जी लला जी के जो वो बनाए जाते हैं वस्त्र, मुसलमान बनाते हैं, बहुत से मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उनको पता है इंडोनेशिया कितना बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ आज भी रामायण की कथा होती। तो अपना धर्म बदलने से कुछ वो नहीं होता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। पूरे देश में भगवे की लहर है, भगवा लहराएंगे, वो मोदी जी का कहीं ना कहीं सपना सच्चा होता दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी अगर नहीं होते प्रधानमंत्री, क्या ये हो पाता संभव? शायद ना हो पाता, शायद। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनके एजेंडे में ये चीज़ें थी, इन्होंने अपने सनातन धर्म को, ये भी कर सकते थे, इनको किसने मना किया था? विपक्ष वाले कोई भी पार्टी है वो कर सकते थे, लेकिन अंदर की जो घृणा है ना, भावना, वो इनको हराने पे मजबूर कर रही है जनता, जनता इसलिए इनको हरा रही है। ये भी जाइए वहाँ, अरे भगवान इनका भी है, सद्बुद्धि दे इनको, ये भी उसके श्रेय ले सकते हैं, क्यों नहीं जाते वहाँ? हम वहाँ जाएंगे नहीं तो फिर मोदी तो श्रेय लेगा ही, तो मोदी खुद जबरदस्ती सरे तो ले रहा है, राम हमारा है। अच्छा, राम मंदिर से काम बन जाएगा? मतलब आपने मोदी को क्रेडिट दे दिया सारा कि मोदी होते तो राम मंदिर से काम चल जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटलों की जरूरत है, काफ़ी लोग बीमारी से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर हॉस्पिटल हो? ये बीमारी से मरना, कैंसर से मरना, ये अलग बात है, आस्था अलग होती है इंसान की। ये जो पैसा है ये कोई सरकार का पैसा नहीं है भैया, ये हम हमारी आस्था है, मेरी आस्था मेरे प्रभु राम में है, मैं 100 करोड़ खर्च करने की हिम्मत रखता हूँ, तो वो करेगा, मेरी 10 पैसे की है तो मैं 10 पैसे करूँगा, उससे बीमारी का उससे क्या है ये इलाज है, क्या मतलब? लेकिन सारे पैसे खर्च करना कहीं ना कहीं सरकारी खजाने, सरकारी खजाने से? किसके पैसे? सरकारी खजाने। एक पैसा खजाने से नहीं लगा, ये सब 140 करोड़ जनता ने एक पैसा इकट्ठा किया, उसका ब्याज से अभी तो बनाया है, अभी तो पैसा इतना पड़ा जितना खर्च मर्जी करो। लेकिन मोदी जी कह रहे थे हम राम मंदिर तो हमने बनवाया। नहीं, कब है उसने एक बार भी नहीं बोला? मतलब सही ना, मतलब वैसे नहीं कहा हुआ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन लोग तो सोच रहे हैं कि मोदी जी ने बनवाया राम मंदिर। भैया वो प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री होने के नाते उसका दायित्व बनता है ना, जनता ने उसको बिठाया ना, अब मैंने तो बिठाया नहीं, ये विपक्ष की मेहरबानी से वो बना नहीं। लेकिन पार्टियों में और भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे नेता हैं, उनको क्यों नहीं क्रेडिट मिल रहा है? योगी जी, मोदी जी को, अमित शाह को? अब एक बात बताइए, जो सरदार है देश का, प्रधानमंत्री है, तो उसको ही तो क्रेडिट मिलेगा, मेरे को और आपको थोड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी आस्था कोई प्रधानमंत्री को मिल गया तो हमारी आस्था कम नहीं होगी कि भाई प्रधानमंत्री को मिल गया हम जाएंगे नहीं तो बंद कर दें वहाँ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी का नहीं है, भगवान राम सबके हैं, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री है तो उसको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, कोई और प्रधानमंत्री होते तो उसको मिलता। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि 22 तारीख को जो है एक दीपावली, जिस तरह से हम दीपावली मनाते हैं नवंबर के महीने में, लेकिन जनवरी के महीने में जो पहली दीपावली देखने को मिलेगी, क्या लगता है जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि शाम के टाइम पर सभी ने दीप जलाने हैं पूरे भारत में, क्या लगता है जो और धर्मों के लोग हैं या फिर मुसलमान है वो भी इस तरह से दिवाली मना पाएंगे और हिंदू भी मना पाएंगे? वो उनकी भैया वो जाने, लेकिन पूरा सनातन धर्म हिंदू पूरा भारत के अंदर नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी अपने सनातनी हैं, भाई हैं, हिंदू
अपने भारत मूल के जो लोग हैं, जो रहते हैं, वो दिवाली की तरह मनाएंगे। पूरा भव्य ऐसा नज़ारा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, हाँ भाई हमारे राम जी जो दिवाली 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, 500 साल का वनवास ही मान लो इसको, जो टेंट में रह रहे थे, हमें तो देखा नहीं है, हमारी तो पैदाइश ही कम है, अभी तो 41 साल हमारी उम्र है, लेकिन जो कर गए संघर्ष कई सालों से, 500 सालों से, अब उनकी वो स्वर्ग में बैठे और ये नज़ारा देखेंगे तो क्या उनके अंदर की आत्मा, उनका मन क्या बोलेगा। तो मैं तो मेरे समाड़का के अंदर ही, मैं तो अपने छोटा समाड़का है मेरा हल्का, यहाँ इतना भव्य कार्यक्रम होना है कि बड़ा ज़बरदस्त, हाँ दुल्हन की तरह सजेगा यहाँ पूरे गांव, जितने आसपास गांव में, हर गांव में इसका पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा अपना। इतना उत्साह है पूरे पब्लिक में। अरे बहुत ज़्यादा भैया, बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त, दुनिया के अंदर बड़ा उत्साह है, हर हिंदू भाई के अंदर उत्साह है। अच्छा, जोड़ने की बात करोगे फिर या तोड़ने की? बिल्कुल जोड़ने की, कमाल है, राम जी सब के हैं। फिर वहाँ फिर मुसलमानों के घर पे भी जा करके कहना उनसे भी दीप जलाएं कहीं ना कहीं। हम तो गए थे, हम तो हर घर में, हर घर घर जाके हमने इनवाइट किया, जो अक्षित चावड़ आए थे अयोध्या से, हर घर में दिया हमने। तो क्या कह रहे हैं, अब हमें तो कुछ ऐसी लगी नहीं अभी तक, तो मनाना ना मनाना उनकी खुद की आस्था, लेकिन बोले हो गए हम उनको भगवान राम जी के नाम से। देखो अगर घर में शादी होती है तो आप इनवाइट करने कार्ड दे सकते हो ना, अब मर्जी उनकी है, मनाएंगे तो अच्छी बात है, ना मनाएंगे तो उनके लिए हमें मतलब अपने कहीं ना कहीं अपने निजी राय। हाँ वो अपने। हमारे साथ विकास छोकर जो किवाड़ा गांव से मौजूद है, पानीपत से जो ये आते हैं गांव किवाड़ा से, तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है। आपको क्या लगता है किस तरह से जो है 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे लोग, पूरा उत्साह है लोगों में देखने के लिए, हिंदुओं में क्या लगता है, मुसलमान या फिर और धर्मों के लोग किस तरह से जो है इस चीज़ को देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी बहुत नाराज़गी है क्योंकि कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है? ज़्यादा ना कहते हुए वीडियो को शेयर करिए, हम भी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है लगातार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, कैमरामैन रणजीत सिंह ढिल्लो के साथ हो गया, कैमरामैन रणजीत सिंह ढिल्लो के साथ नमस्कार।